मध्य प्रदेश में 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होनी है। वक्त धीरे धीरे कम होता जा रहा है और यही वजह है कि अब पार्टियों ने ताकत झोंकना भी शुरू कर दी है। पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के कई दिग्गज चुनावी सभाएं करने मध्य प्रदेश आ रहे हैं, तो कांग्रेस से राहुल गांधी मोर्चा संभालते नजर आएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की मतदान की तारीख करीब आ रही है। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी। यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों ने मध्य प्रदेश का रुख करना शुरू कर दिया है। आने वाले कुछ दिनों में महाकौशल में सियासी संग्राम देखने को मिलेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अप्रैल को मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी 7 अप्रैल को जबलपुर में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने इसकी तैयारियां भी तेज कर दी हैं। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज जबलपुर जाएंगे और मोदी के दौरे को लेकर तैयारियों का जायजा लेंगे। वहीं 9 अप्रैल को भी उनकी बालाघाट में सभा होगी। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी छिंदवाड़ा आने वाले हैं। बीजेपी का खास फोकस छिंदवाड़ा सीट पर है, लिहाजा दिग्गजों की फौज छिंदवाड़ा में उतारी जा रही है। इधर कांग्रेस से राहुल गांधी का भी मध्य प्रदेश दौरा तय हो गया है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आदिवासियों के लिए सुरक्षित सीट मंडला और शहडोल में 8 अप्रैल को जनसभा करेंगे। यानी कह सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों तक मध्य प्रदेश में चुनावी घमासान जोरों पर रहेगा और पारा हाई रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं मोहन यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये बार बार बात करते हैं, जेल भेज रहे हैं। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं, कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। मेरी उम्र थी 17 साल, 11वीं में पढ़ता था मैं, मुझे जेल भेजा गया था इमरजेंसी में। स्वर्गीय इंदिरा जी थी तब प्रधानमंत्री। संविधान को तार तार किसने किया था? लोकतंत्र का गला किसने घोटा था? केवल नेताओं को नहीं, मासूम बच्चों को जेल में किसने भेजा था? आज एक बात साफ है, पहले यह धारणा रही होगी कि नेता कोई कितना बड़ा भी अपराध कर दे, भ्रष्टाचार कितनी कर ले, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, धारणा बन गई थी जनता की। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का शासन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है। अगर कोई गलत काम करेगा तो जेल जाएगा। कांग्रेस ने तो निरपराधों को जेल भेजा था। कांग्रेस की हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई है। राहुल गांधी जी अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं, बीजेपी अगर जीती तो देश में आग लग जाएगी। क्या कांग्रेस देश में आग लगाना चाहती है? क्या श्रीमती सोनिया गांधी राहुल गांधी के इस बयान से सहमत है? जमीन पर कुछ बचा नहीं है और इसलिए देश जल जाएगा, आग लग जाएगी। इनने हर अच्छे काम का विरोध किया। कश्मीर में धारा 370 हटेगी तो आग लग जाएगी, पत्ता भी नहीं खड़का। भारतीय जनता पार्टी अपने रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जा रही चुनाव में। कांग्रेस ने तो कभी पेश नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल में जिस ढंग से भारत का निर्माण किया है, वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली और विकसित भारत, हम उस रिपोर्ट कार्ड और आगे के रोड मैप को लेकर मैदान में जाएंगे। और अब हम नहीं कह रहे, जनता कह रही है, अब की बार 400 पार। सर, कल 1 से 1.5 लाख कार्यकर्ता कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं,
भारतीय जनता पार्टी पुनर्निर्माण का आंदोलन है, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का, देश को बनाने का, जनता के कल्याण का। और जो अपने देश की सेवा करना चाहता है वो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करती है। कांग्रेस के पास कोई आधार नहीं है। सर, आज 5 तारीख के लाडली बहना सर लाडली बहना योजना के तहत आज फिर महिलाओं के खातों में पैसे डाले जाएंगे, बड़ी महत्वपूर्ण योजना आपने शुरू की थी। मैं अपने मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी को बधाई देता हूँ। उन्होंने कहा था कोई योजना बंद नहीं होगी, बंद नहीं हुई है। आज फिर लाडली बहनों के खाते में पैसे डाले जा रहे हैं। इस योजना ने बहनों की जिंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। मैं बहनों को बधाई देता हूँ। उनके वादे झूठे, जो कभी पूरे नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी दोनों चीज, एक तरफ जो काम हमने किए हैं वो, और दूसरी तरफ विकसित भारत का रोड मैप लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। मैनिफेस्टो पर काफ़ी काम हो रहा है। और खुशी की बात ये, प्रधानमंत्री जी ने अपील की लोगों से कि सुझाव दें। हमारे पास हजारों सुझाव आए हैं, उनका अध्ययन हो रहा है और जल्दी सुविचारित, और केवल सुविचारित मैनिफेस्टो नहीं होगा, उसको जमीन पर उतारने का विस्तृत रोड मैप के साथ हम जनता के बीच में जाएंगे। तो आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को। मुख्य पूर्व सीएम ने कहा कि अब की बार 400 पार, ये नारा अब जनता दे रही है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो रहे नेताओं को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी, कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। चलिए कुछ खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लोकसभा चुनाव को लेकर ताबड़तोड़ दौरे और सभाएं कर रहे हैं। आज सीएम जबलपुर और मंडला के दौरे पर रहेंगे। जबलपुर में मुख्यमंत्री पीएम मोदी की चुनावी सभा की तैयारियों का जायजा लेंगे, तो वहीं मंडला में मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इसके अलावा शाम को प्रदेश स्तरीय साहू समाज के कार्यक्रम में हिस्सा भी लेंगे मुख्यमंत्री। तो चुनावी प्रचार में मुख्यमंत्री मोहन यादव जुटे हुए हैं। जबलपुर और मंडला के दौरे पर आज सीएम रहने वाले हैं।